गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और बहुत एनर्जेटिक तरीके से, बट लास्ट में होगा कुछ ड्रामेटिक। तो बस मैं सुबह प्लांट्स में पानी लगाती हूँ, उसके बाद मुझे मशीन में स्लॉट लगाने थे, काफ़ी सारे कपड़े गंदे थे वो लगा दिए। साथ में आप देख लो नीचे सामने कितने कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, दो तीन कपड़े जो पहले के वॉश थे उन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ वार्डरोब में, एंड बेडिंग ठीक करती हूँ। मॉर्निंग के जैसे कि सबके काम होते हैं वही मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से, बट लास्ट में आते आते बाई गॉड यार ड्रामेटिक हो गई एकदम, क्योंकि आज कुछ हुआ है आपको पता चल जाएगा आगे जाके क्या हुआ है। बस बेडिंग वेडिंग सी करती हूँ मैं, बेडशीट ना सुबह के टाइम नहीं झाड़ती क्योंकि मैं शाम को कभी कभी झाड़ देती हूँ या फिर मुझे लगता है कि गंदी है तो ही मैं झाड़ती हूँ, वरना ये नहीं कि मैं डेली उतार के झाड़ रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ लेती हूँ, क्योंकि हम लोग पूरे दिन इस वाले रूम में रहते नहीं हैं, दूसरे रूम में रहते हैं और छोटे बच्चे भी नहीं हैं जो गंदा हो। तो बस अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा ड्राइंग रूम में क्लीन करने के लिए, एंड टेबल पे आप देख रहे हो कितनी सारी ग्रॉसरी पड़ी है। तो ये कल वाली ग्रॉसरी है, इसका मुझे हॉल शेयर करना था इसलिए वो टेबल पर रखी है पूरा सैनिटाइज होके वॉश होके, और बस रूम वूम सेट करके फिर मैं आती हूँ इस वाले रूम में। यहाँ की मैं दोनों बेडशीट झाड़ के ही बिछाती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट इसी रूम में पड़ी रहती हूँ और वरुण का भी ऑफिस इसी रूम में रह जाता है, तो मैं कभी लेट रही हूँ या कभी वरुण लेट रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी ना सुबह ही पूरा क्लीन करती हूँ। सुबह का टाइम यही होता है पूरे घर की क्लीनिंग टाइप ऑफ डस्टिंग, ताकि अगर हम आगे झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो क्लीन रहे, ऊपर का एटलीस्ट क्लीन रहे, फिर नीचे बस फ्लोर क्लीनिंग बचता है। तो ये सब करने के बाद मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, एंड पता है मैं इतने ज़्यादा टाइम से सोच रही थी कि मुझे झाड़ू लेनी है, कल फाइनली मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी तो मैं ये वाली झाड़ू लेकर आई हूँ। मतलब इतने ज़्यादा टाइम से वो जो मेरी झाड़ू थी ना वो इतनी छोटी हो चुकी थी ना कि लगाने में प्रॉब्लम होती थी, बट हर बार हम लोग भूल जाते थे, तो कल फाइनली मुझे याद आया कि अरे यार झाड़ू ज़रूर लेके जाना है। तो बस सुबह झाड़ू कर रही हूँ, एंड यहाँ से होता है हमारा थोड़ा ड्रामेटिक सीन स्टार्ट। हमारे घर की लाइट जा चुकी है जो पूरे 5 या 6 घंटे के लिए गई थी, एंड यहाँ से मैंने फ़ोन करके बुलाया था भैया को, इलेक्ट्रिशियन भैया को मेंटेनेंस ऑफिस से, तो वो बस आके चेक कर रहे हैं डीसी वीसी का कनेक्शन शिफ्ट कर रहे हैं ये कर रहे हैं। वैसे घर में उजाला है आप देख सकते हो बट लाइट नहीं है, तो बस वही सब हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए, एंड पूरे घर में लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ था यार आज इतना दिमाग ख़राब हो गया ना। मतलब आज वरुण का इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बहुत ज़्यादा, पर लाइट आई नहीं, और पता है सबसे बड़ी बात है जो मीटिंग का टाइम था ना एकदम एग्जैक्ट उस टाइम से लेके शाम तक लाइट नहीं आई, तो आज वरुण का तो बहुत ही मूड ख़राब था, मेरा भी हो गया यार। पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्लान कर लेते हैं उसके हिसाब से नहीं हो पाता ना, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा, और मैं हाँ पोछा लगा चुकी थी उसका मैंने वीडियो क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि फिर लाइट ही नहीं आ रही पूरे घर में, तो मैंने झाड़ू लगाई थी उसके बाद पोछा लगाया, उसके बाद फिर भैया वो आए थे तो उन्होंने चेक वेक किया काफ़ी ज़्यादा, और चाय वरुण पी चुके थे। 1 मिनट के लिए जब भैया आए थे ना लाइट उन्होंने थोड़ा कनेक्शन दिया था तो मैंने शेक बना लिया था अपने लिए, एंड फिर मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और मशीन के सारे कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट आई नहीं तो मशीन लगी नहीं पा रही है। सो बस मैंने सोचा बर्तन क्लीन कर लूँ फिर नहा लूँ, एंड नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे फेस टू फेस डायरेक्टली। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो मॉर्निंग में आप लोगों से मिली थी मैं क्लीनिंग के टाइम पे, एंड उसके बाद ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से, क्योंकि क्या हुआ एक्चुअली आज इतने सारे प्लान थे ना, आज मेरे इतने सारे प्लान थे, मेरे कल से ही प्लान थे कि मुझे आज सुबह उठ के क्लीनिंग करनी है, मॉपिंग करनी है, बाहर मशीन लगानी है, लंच तैयार करना है, शाम को वेजीज लेने जाना है, एक वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, ग्रॉसरी हॉल शेयर करना है आज शाम को, फिर एक ब्लॉग शूट करना है। इतने सारे प्लान थे कल से, मेरा माइंड मेकअप था कि हाँ मुझे कल ये सारी चीज़ें करनी है, बट सुबह होते होते ना सारे काम की बॉट लग गई, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली आज क्या हुआ कि मैं सुबह उठी थी, सुबह मैंने क्लीनिंग व्लीनिंग स्टार्ट की, मैंने झाड़ू जब लगा रही थी ना मैं उस टाइम पे ना लाइट का इतना फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया ना कि लाइट आ रही है जा रही है आ रही है, मतलब ना 5 मिनट के लिए जा रही है ना 5 मिनट के लिए आ रही है, तो बहुत हो गई। और 12 बजे से 4 बजे तक यही चीज़ रही है, जा रही है लाइट आ रही है लाइट। और वरुण की आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वरुण ने शायद 3 दिन, मतलब कल परसों और उससे एक दिन पहले ना रात में 4-4 बजे तक काम किया था, और आज उसका फाइनल वो था कुछ, बट वो हुआ ही नहीं क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था ना, तो वरुण का बार बार सिस्टम बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, बहुत गंदा हाल रहा आज। वैसे मेरा मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लाइट ही नहीं थी पूरे घर में, एंड फिर हम लोगों ने मेंटेनेंस में कॉल किया, वहाँ से एक भैया भी आए, बट इतना कुछ हुआ नहीं यार। एक्चुअली क्या वो डीसी कनेक्ट किया उन्होंने, मतलब बैकअप कनेक्ट किया,
उससे क्या हो रहा था कि जब बैकअप वाली, जैसे कि लाइट जा रही है तो सिस्टम ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, फिर बैकअप कनेक्ट हो रहा है तो सिस्टम ऑन हो रहा है, फिर लाइट आ रही है, मतलब हर 2 मिनट में आ रही जा रही थी ना लाइट, तो बैकअप बार बार कनेक्ट हो रहा था, फिर डिसकनेक्ट हो रहा था, सिस्टम भी वही चीज़ कर रहा था, बार बार कनेक्ट हो रहा, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है। सो आज बहुत गंदा डे रहा। मॉर्निंग ठीक ठाक हुई थी, एनर्जेटिक हुई थी, बट उसके बाद वॉट लग गई। और उसी के साथ मैंने आज प्लान किया था ग्रॉसरी हॉल शेयर करने का, बट हुआ ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं शाम तक ग्रॉसरी हॉल शेयर कर दूंगी तो आज रात में सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज कर दूंगी किचन में, बट जब हॉल ही शेयर नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइज कैसे होंगी। एंड सोच रही थी कल आप लोग के साथ जल्दी से ना किचन टूर शेयर कर दूंगी, बट सारी चीजें ना, एक चीज गलत होने के चक्कर में आगे की चीजें बहुत पेंडिंग हो गई। एंड अभी 6 बजे करीब लाइट आई है, 6 बजे पर हम लोगों ने आज लंच भी ना गर्मी में ही किया, गर्मी में किया लंच। उसके बाद अभी बज रहे हैं 7:10 हो रहे हैं, और अब क्या ब्लॉग शूट करूंगी, कब एडिट करूंगी, कब अपलोड करूंगी, तो मुझे नहीं लगता आज मेरा ग्रॉसरी हॉल जाएगा, बट आज रात में जरूर शूट कर लूंगी मैं। एंड हो सकता है वो कल सुबह जाए, ये वाला वीडियो शाम को जाए, या फिर प्रोबेबली वो शाम को जाए, ये वाला कल सुबह जाए, मुझे नहीं पता कौन सा सुबह आएगा कौन सा शाम को आएगा। बट हाँ, अगर ये पहले आता है तो उसके बाद आपको पता है ग्रॉसरी हॉल आने वाला है, एंड वो अगर पहले चला जाता है तो उसको जाके वॉच कर लेना। और आज मैंने फिर शाम को वो लाइट आई ना 6 बजे, तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ी सांस ली, हाँ बेटर, उसके बाद थोड़ा सा तैयार हो गई ताकि पॉजिटिविटी रहे, वरना सुबह से उनका इतना मूड खराब है ना, वरुण को तो इतना गुस्सा आ रहा था आज बहुत ज्यादा, क्योंकि होता है ना जिस चीज के लिए आपने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, जब मेन टाइम आया तो आप वहां पे थे ही नहीं, तो क्रेडिट कोई और ले जाता है, और बस वही है, बहुत दिमाग खराब था वरुण का आज। सो मैंने आज ना 2 वीडियोज बनाए रील पे, इंस्टाग्राम पे होता है ना रील, तो वहां पे मैंने 2 वीडियोज बनाया, एंड मैंने पहली बार ट्राई किया है, मुझे नहीं पता कैसे बने। और आपने अगर मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मैंने कम्युनिटी पे भी शेयर किया है, वहां पे मेरे 1K करा दो जल्दी से, पता है वहां पे मेरे 1K होने वाले हैं, एंड यहाँ पे मेरे 30K होने वाले हैं। और कौन से पहले होंगे, 30K या 1K, यार प्लीज वहां पे 1K करा दो, मुझे वहां का बहुत एक्साइटमेंट है, यहाँ का भी है बट वहां का भी है। तो मैं ना आपको अपनी वीडियोज दिखाती हूँ जो मैंने शेयर किया है, वैसे तो आप इंस्टाग्राम पर देख ही लोगे, बट फिर भी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। फोकस, यस, कैसा लगा? एक और है, कैसा लगा यार? मैंने ट्राई किया, आई डोंट नो कैसा बना है, बस ट्रायल है। चलो मैं पता है मेरी, हाँ मैं आपको बता रही थी क्या हुआ, फिर मैंने सुबह इतने सारे स्लॉट भर के कपड़े निकाले थे, एक भी स्लॉट नहीं लगा, एंड अभी मेरी मशीन लग रही है, एक बार उससे ऑफ कर आती हूँ, कपड़े सुखा के आती हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। यार वेदर देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ओ माय गॉड, पता है बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मैंने इतने सारे कपड़े जो धो दिए हैं, बस रात में बारिश ना आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मैंने लेट नाइट कपड़े धोए थे एंड फिर पूरी रात बारिश आई थी, एंड मेरे पूरे घर में फिर कपड़े घूम रहे थे, तो बस आज ना हो जाए, हो। सो मेरे कुछ कपड़े तो धुल गए हैं, बट अभी भी कुछ रह गए हैं। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना टेबल पे सारा ग्रॉसरी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, मुझे हॉल शेयर करना है इसका आज रात में, तो सारा ना ग्रॉसरी यहीं पर रखा हुआ है। और मेरा सुबह आया था एक कोरियर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या आया है, मैं भी देख लेती हूँ, मतलब मुझे पता है क्या आया है, मैंने ना कुछ बताती हूँ क्या आया है, खोल के दिखाती हूँ, रुक। सो ये आया है मेरा ऑर्डर, एंड इसको ना मैंने सुबह आया था वॉश करके, अच्छे से सैनिटाइज करके रखा रहने दिया था, मतलब इसे रखे हुए यार करीबन करीबन 10 से 10 घंटे तो हो गए, अप्रॉक्स 9 से 10 घंटे हो गए, और ये पर्पल से आया है, और ये कोई पेड मतलब पेड मैंने खुद अपने पैसों से मंगवाया है, कुछ कोलैबोरेशन नहीं है, तो ये मत समझना कि कोलैबोरेशन है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने मंगवाया ये खुद, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है ना, अभी काफ़ी टाइम से ना मैं मंगवा भी नहीं पाई थी, क्योंकि कुछ ऑफर नहीं चला था, बट अभी जैसे कि आपको पता है सेल चल रही है, तो बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, तो मैं कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ बट ये जरूर खरीदती हूँ, दिखाती हूँ क्या आपको, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। अरे यार, एक तो जब कुछ खुलता नहीं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। खाली खाली, तो मैंने
तो मैंने मंगवाए हैं शीट मास्क। यार मुझे शीट मास्क जिसका ना इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस टाइम तो वैसे भी शीट मास्क पे 1+1 चलता है, मतलब 5+5 चलता है, 1+1 नहीं। तो मैंने 10 मंगवाए हैं, रोज का, राइस का, लेवेंडर, पोमीग्रेनेट, ग्रीन टी, और ये है ब्लैकबेरी, शिया बटर, कुकुम्बर, ग्रेप फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे शीट मास्क हैं जो मैंने अभी मंगवाए हैं। एंड जैसे कि शीट मास्क आपको पता है गुड वाइब्स का आता है 99 का, तो मुझे ये कितने का पड़ा है, 49.5 का, नॉट 50, नॉट 51, नॉट 49। तो मैंने 10 शीट मास्क ये ऑर्डर किया है, पर शीट मास्क मुझे 49.5 का पड़ा है। एंड ये सारे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, मैं इनको बहुत जल्दी यूज करने वाली हूँ। मुझे ना शीट मास्क यूज करना बहुत पसंद है, तो मैंने एक ये मंगाया है। उसके साथ ना मुझे एक ये मिला है गुड वाइब्स का रिफ्रेशिंग शॉवर जेल, छोटा सा 10 ml का। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, बट 10 ml यार सीरियसली। तो ये मिला है, और मैंने ना एक मंगवाया था, ये इसे खोलने वाला है। आपको पता है ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं डार्क सर्कल्स के लिए क्या यूज करती हूँ, क्या यूज करती हूँ। तो मेरा ना बहुत टाइम से खत्म हो चुका था ये सीरम जो है, आई सीरम। तो मैं यूज करती हूँ कुकुम्बर एंड लेमन का ये वाला सीरम। इसका ना लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत इफेक्टिव है। मैंने इसे यूज किया है, पूरा एक बॉक्स में यूज कर चुकी हूँ, एंड ये मेरी सेकेंड बॉटल है। उसके बाद मैंने दोबारा ऑर्डर किया था तो आई नहीं पाई थी, हम लोग अलीगढ़ चले गए थे या कुछ हो गया था तो आ नहीं पाई थी। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, यहाँ पे आपको ना ये मिलता है, एंड इसका कैप आप हटा सकते हो। मैं सर इसकी ना मैं रेगुलर यूज करती हूँ, बिल्कुल रेगुलरली, बहुत अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। आप इसका लिंक चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। ये मंगाया मैंने, शीट मास्क मंगाया एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। तो बस यही था मेरा छोटा सा हॉल, टाइप ऑफ हॉल कह सकते हैं, ये फेंक देते हैं। इतना सारा सामान एक्स्ट्रा आता है ना, ये देखो, ये सब फिटेगा। तो बस ये है मेरे शीट मास्क, आई एम सो एक्साइटेड टू यूज देम। मुझे ना सारे शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, एंड शिया बटर का मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। स्ट्रॉबेरी मैंने यूज किया है, कुकुम्बर यूज किया है, ब्लैक बेरी का मैंने आज तक यूज नहीं किया है, बाकी ग्रीन टी, पोमीग्रेनेट, लेवेंडर, राइस, रोज और ग्रेप फ्रूट ये तीन मैंने पहली बार यूज करूंगी, बाकी सब मैंने यूज किया है। ये वाला शॉवर जेल देखते हैं कैसा है, इसे मैं यूज नहीं करूंगी, ट्रेवल के लिए रखूंगी, छोटू सा 10 ml का। सो बस यही खत्म करते हैं आज का व्लॉग मेरे हॉल के साथ। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे वहां पे 1K सब्सक्राइबर करवा दो। और पता नहीं यहाँ पे 30K पहले होंगे या वहां पे 1K पहले होंगे। वैसे मैंने सोचा है कि इस बार 30K पे कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, मेरा अभी तक नहीं हो पाया, मैं हमेशा ट्राई करती थी बट कभी कुछ हो जाता है, हम लोग कभी बाहर होते हैं कभी कुछ है, मतलब हो ही नहीं पाता था। बट इस बार का हमारा प्लान है कि 30K पे कुछ सेलिब्रेट करेंगे, चाहे छोटा सा करें चाहे बड़ा सा करें, बट कुछ करेंगे। तो जल्दी से 30K करा दो, 1K करा दो। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।